नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल रॉय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय राय। सर, हम बात करें मोशन इन प्लेन के टॉप 100 क्वेश्चंस के बारे में। तो अगर आप देखना चाहते हैं प्रीवियस प्लेलिस्ट को भी, मोशन इन स्ट्रेट लाइन के जो क्वेश्चंस हमने किए उसके बारे में भी, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं और मोशन इन प्लेन के क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। ठीक, तो आइए क्वेश्चन नंबर 21 पर बात करते हैं मोशन इन प्लेन के। ये जो क्वेश्चंस है ये प्रोजेक्टाइल मोशन पर बेस्ड क्वेश्चंस है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस आपको यहां पे मिलने वाले हैं, अच्छी वैरायटी के। ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये अक्सर आपको अच्छी बुक्स में मिल जाएगा। ठीक है, हो सकता है थोड़ा बहुत डेटा वेटा इसमें चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन ये कंपलसरी आपको मिलेगा। क्या क्वेश्चन है समझते हैं। द सेलिंग ऑफ अ लॉन्ग हॉल इज 20 मीटर हाई, है ना। ये 20 मीटर हाइट दे रखी है अपने को यहाँ पे, ये एच की वैल्यू दी है आपको। व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट अ बॉल थ्रो विथ अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, है ना। अगर हम बॉल को 40 मीटर पर सेकेंड से थ्रो कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये जो बॉल है वो मैक्सिमम कितना रेंज कवर करेगा, ये क्वेश्चन है। ठीक, हाइट ऑफ द हॉल दे रखी है हमको 20 मीटर। ठीक, कैन गो विदाउट हिटिंग द सेलिंग ऑफ द हॉल, मतलब क्या है कि यहाँ पर ये टच नहीं होना चाहिए टॉप पर, लेकिन मैक्सिमम हाइट अपनी कितनी हो सकती है 20 मीटर। तो अगर अपन हाइट के लिए बात करें तो हाइट का क्या फॉर्मूला बनता है बेटा, एच इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, ये हाइट का फॉर्मूला होगा बेटा यहाँ पे। अब एच की वैल्यू हमको 20 दी है हुई है, यू की वैल्यू हमको पता है भाई 40 का स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू जी को अभी हमने मान लिया बेटा 10। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे होगा वो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, ये हो जाएगा यहाँ पे 1600 और ये होगा 400, और 1/4 मतलब साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी, साइन थीटा जो वैल्यू हो जाएगी वो 1/2, मतलब थीटा की जो वैल्यू आएगी बेटा यहाँ से, हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, थीटा इक्वल्स टू बन जाएगा हमारे पास 30 डिग्री, है ना, साइन 30 डिग्री। अगर पास हमें तो थीटा जो हमको मिला वो कितना मिला, 30 डिग्री मिला। अब हमको रेंज चाहिए कि कितनी रेंज वो कवर करेगा, तो रेंज का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, आर इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, है ना। ये किसका फॉर्मूला है, ये रेंज का फॉर्मूला है। तो अगर मेरे को आर चाहिए तो यू यू कितना हो जाएगा बेटा, 40 का स्क्वायर इंटू, यहां पर अगर मैं बात करता हूँ 2 थीटा, मतलब जो साइन है वो कितना हो जाएगा, √3/2। ठीक, साइन 30 हो जाएगा यहाँ पे, 2 थीटा मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे, 60 डिग्री हो जाएगा बेटा ये। ठीक है, बाई जी मतलब 10, तो क्या वैल्यू आएगी, आर इक्वल्स टू ये हो गया बेटा अपने यहाँ पर 1600 बाई 20 इंटू √3। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली, कितना आ जाएगा बेटा ये, आर इक्वल्स टू 80 √3 मीटर। आई बात समझ। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको कंपलसरी है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी बुक में आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक, तो अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस और करने हैं या अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और शेयर इसलिए करें ताकि कर बोला तो हो बोला। ठीक,